हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम ट्रैफिक एनालिस्ट, सुपरवाइजर ट्रैफिक एनालिस्ट, इसके बाद टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, असिस्टेंट और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की रोल नंबर स्लिप के हवाले से डिस्कस करेंगे। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस इसका क्या होगा, पेपर किस तरह के होंगे, कम वक्त में तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन तैयारी के लिए अहम वेबसाइट और कौन से टेस्ट को पास करने से हवाले से कौन से टिप्स ट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपको मालूम है कि रोल नंबर स्लिप जारी हो चुकी है और बहुत ही कम टाइम रह गया है। 21 अप्रैल को इसका टेस्ट है और बहुत कम टाइम है, लेकिन ये कम इतना भी कम नहीं है कि आप कुछ पढ़े ही ना। आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें सिलेबस के मुताबिक। सिलेबस हम आपको आगे जाके बता देते हैं और उसके मुताबिक, क्योंकि बुक्स भी बेहतरीन है अगर आप बुक्स से तैयारी करना चाहते हैं। अदरवाइज टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट है, हम आपको आगे बता देते हैं कि कैसे उससे पढ़ें। और आपने अगर वाकया ही टेस्ट पास करना है तो आज से हर चीज़ उल्टी सीधी छोड़ के अपना टाइम टेबल बनाएं और दिन रात एक कर दें। और जो भी तैयारी करें कम अज उसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में कन्फ्यूजन जो होती है तैयारी होने के बावजूद जो कन्फ्यूज क्वेश्चन करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पास्ट पेपर को पढ़े, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो भी तैयारी जहाँ से भी करें उसको 2 से 3 दफ़ा से पढ़ें। और टेस्ट पॉइंट पर गैस पेपर मौजूद है, इस छोटे थोड़े टाइम में आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। और जब याद कर रहे हो तो साथ साथ पॉइंट लिखते जाइएगा और फिर पेपर से 1-2 दिन पहले उनको रिवाइज कर लीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें वीडियो को, प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसमें आपका फायदा, हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके जॉब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि सिलेबस आपको शायद इंटरनेट से ना मिले, अभी 2024 में जो पेपर हुए हैं वो इस सिलेबस के मुताबिक तकरीबन हुए हैं, जिसमें इंग्लिश 20% के अराउंड अबाउट थी, इस्लामिक 10%, उर्दू के भी क्वेश्चन आए हैं, पाकिस्तान स्टडी इसके अलावा आया, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर वगैरह 10%, कंप्यूटर ज़्यादा फोकस उनका कंप्यूटर पर था 25% के अराउंड, यानी कि 25 के करीब क्वेश्चन कंप्यूटर के रिलेटेड थे। आप पास्ट पेपर पढ़ें, टेस्ट पॉइंट पे दिए हुए हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कितने ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के हवाले से। और इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, जैसा कि पता है आपको MOD के क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, पैरा दिया होता है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उस वाले से तकरीबन 15 के अराउंड बोर्ड थे। अब बात कर लेते हैं रोल नंबर स्लिप की। गूगल पे वहाँ पे जाके आप recruitment.com.pk लिखें या वैसे MOD लिखेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पे ये आ रहा होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड रोल नंबर स्लिप। आप जब इस पर क्लिक करें आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पोस्टों का 21 अप्रैल को टेस्ट है और यहाँ पे आप अपना CNAC लिखना है। CNAC लिखने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपना सारी चीज़ें देख लेनी है, आपका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे आपकी पिक्चर वगैरह होगी और सारी चीज़ें लिखी हुई कि इसमें जी नेगेटिव मार्किंग भी है वगैरह वगैरह। तो आप उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, PDF वगैरह में भी सेव कर सकते हैं। अब तैयारी की बात करते हैं तो इस कम टाइम में टेस्ट पॉइंट से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। यहाँ पर गैस पेपर भी हमने दिया हुआ है जो मोस्ट रिप्यूटेड क्वेश्चन है, इसके अलावा जो MOD के पास्ट पेपर हैं वो ज़रूर इस वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। हासिल करने का यह तरीका, ये चैनल के नेम के नीचे देखिएगा इस तरह लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करें, आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। अदरवाइज आप खुद भी जाकर गूगल पे जाके ये MOD पास्ट पेपर लिखेंगे तब भी आ सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है इसको अलाउ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं तो आपको वो पता चलता रहेगा। यहाँ पे आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे, इवन 2024 में जो पेपर हुए हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएंगे। आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ये तमाम पास्ट पेपर पढ़िएगा, ये नहीं है कि जी मेरी तो असिस्टेंट है तो मैं असिस्टेंट का पढ़ूँ, नहीं, आपने इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डाटा बैंक या पेपर सिलेक्टर जो होता है वो एक ही जगह से कोई क्वेश्चन उठा रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस पेपर में उसने मुस्लिम लीग में कितने मेंबर थे या कि कब बनी, तो दूसरे में पूछ सकता है पहला सदर क्या था। तो यकीनन आपने अगर मुस्लिम लीग का टेस्ट पॉइंट से पढ़ा होगा तो उसकी डिटेल आपने पढ़ी होगी, तो आपको तमाम क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका पास्ट पेपर से ये पढ़ने का ये फायदा होगा कि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कवर कर देंगे। ये तमाम पास्ट पेपर दिए हुए हैं, आप इनको तमाम को अच्छे से
पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब एंड पे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है टेस्ट पॉइंट का, ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिएगा, टेस्ट पॉइंट का व्हाट्सएप चैनल। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।